नमस्कार, हजारी डांस में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं आज की क्या है खास खबर। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की कंचन जायसवाल जी, आप उनसे आप रूबरू कराते हैं। नमस्कार, हजारी टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज आप जायसवाल राय शिवरी समाज की बैठक में आई हैं, तो नव युवक को निर्वाचित हुए हैं, इनके लिए कोई संदेश? देखिए, आज हमारी जो जायसवाल सर्वर्गीय महासभा जो अब कल्चरी महासभा के नाम से जानी जाएगी, और इसमें एक नई समिति का भी गठन हुआ है जिसके आदरणीय पृथ्वी राय जी जो है अध्यक्ष बने, और हमारी तमाम कमेटीज़ के लोग पीछे संरक्षण जो हमारी पीछे कमेटी में अध्यक्ष थे उन्होंने आज आशीर्वाद इस कमेटी को देने का अपना काम किया, हमारे सभी संरक्षकगण, और मुझे भी इस कमेटी में आने का सौभाग्य मिला। आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ और निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि ये चुनावी वर्ष के प्रथम पायदान पे जब हमारी कमेटी का ये गठन और शपथ हुआ हैगा, निश्चित रूप से तमाम राजनीतिक जो दलों में इस बात की हलचल होगी और हमारे समाज का कहीं ना कहीं प्रतिनिधि निश्चित रूप से अन्य राजनीतिक दलों में बढ़ेगा। समाज को लेके एक करने के लिए कोई मंत्र? हम सब एक हैं, पूरा समाज हमारा एक है। हम सिर्फ कल्चरी हैं, हम सिर्फ कलवार हैं, और राय हो चाहे जायसवाल हो चाहे सीबरे हो चाहे गुप्ताज हो चाहे ओमरे हो, हम सभी एक भगवान सहस्त्रबाहु के वंशज हैं, और मैं मानती हूँ कि हम सब कलार हैं। ललितपुर में अभी हाल ही में खाद की बड़ी किल्लत हो रही है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, खाद का एक विषय किसानों से संबंधित एक विषय अलग विषय हैगा, और यहाँ प्रशासन की इस तरीके की चूँकि एकदम बारिश हो जाएगी, लोगों के खेत में मॉइस्चर एकदम से बढ़ेगा, लोग बुआई के लिए एकदम तैयार अपने आप को हो जाएंगे, और सारे किसान एक साथ जनपद में जो है खाद के लिए अपने यहाँ आ गए, अपने सामान को बेच के खाद को परचेज करने के लिए। मुझे लगता है कि इतनी सारी व्यवस्था एक साथ प्रशासन की तरफ से नहीं थी। मेरा नाम पृथ्वीराज राय है। किस संबंध को लेकर आज यहाँ बैठक हुई? यहाँ जायसवाल राय सर्ववर्गीय समाज सेवा समिति का चुनाव हुआ, मतलब इसमें मुझे जिलाध्यक्ष चुना गया, और इसका आज सम्मान समारोह था, शपथ ग्रहण समारोह, और साथ में पत्रकारों का सम्मान, समाज के बुजुर्गों का सम्मान, और इसमें हम सभी को एक साथ लेके चलेंगे, समाज को आगे नई दिशा देंगे, इसके लिए एक कार्यक्रम रखा गया। क्या चुनाव को लेते हुए अभी 4.5 साल पूरे 6 महीने बाकी रह गए हैं, क्या चुनाव को देखते हुए आपकी रणनीति तो नहीं है? हाँ, रणनीति है हमारी, और हमारे समाज को जो भी दल उसमें हमारे प्रतिनिधित्व देगा उसके साथ हमारी समाज और हम लोग सब साथ देंगे।